रीवा में विगत 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर वेटरनरी कॉलेज के छात्र छात्राएं कर रहे आंदोलन। विजनरी कॉलेज के छात्र छात्रा चाय बेचते आए नजर, कहा सरकार नहीं कर रही हमारी मांगे पूरी। खबर मध्य प्रदेश की रीवा से है, जहां वेटरनरी कॉलेज के छात्र छात्राएं विगत 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कॉलेज में धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। वेटरनरी कॉलेज के छात्रों का कहना है कि हम लोग अपनी 3 मांगों को लेकर विगत 15 दिनों से धरने पर हैं, लेकिन सरकार द्वारा हम लोगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर हम लोग कॉलेज में चाय बेचने को मजबूर, और अब हम लोग कल से भूख हड़ताल पर जाएंगे। अगर हमारी मांगे फिर भी नहीं पूरी हुई तो हम लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए वेटरनरी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मीडिया से क्या बताया। मेरा नाम निर्भय भावसार है, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा का छात्र हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 10 फरवरी 2023 से पिछले 14 दिनों से हम यहां पर स्ट्राइक या धरने पर बैठे हैं। हमारी 3 मांगों को लेकर हम ये धरना कर रहे हैं। सबसे पहले जो यूजी में हमको स्टाइफंड मिलता है वो अत्यंत कम है, 4,600 रुपये, उसमें वृद्धि के लिए हम बैठे हैं। दूसरा, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में जो अध्ययन करते हैं उनको भी स्टाइफंड मानव दे दिया जाए, इसके लिए हम बैठे हैं। तीसरा, हमारी मांग है कि VAS वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की नई पोस्ट का क्रिएशन किया जाए और उस पर वेटनरी डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। अभी चाय बेच रहे थे आप लोग, वीडियो आया है। अभी जो आपने वो चाय बेचने वाला वीडियो देखा है, उस वीडियो को बनाने का औचित्य ये था कि जो चाय बेचने वाला व्यक्ति है वो दिन के 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये ऐसा कमा लेता है, लेकिन अगर जो हमको विस्टा फंड मिलता है उसको देखे तो 4,600 के हिसाब से वो एक दिन में 153 रुपये ऐसा मिलता है। यानी कि चाय बेचने वाले को 500-600 रुपये मिल सकते हैं, और वेटनरी डॉक्टर जो 4-4.5 साल अध्ययन करते हैं, लेबोरेटरीज में काम करते हैं, पशु चिकित्सालय में काम करते हैं, LPT विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में अपना सहयोग करते हैं, 4-4.5 साल पढ़ने के बाद उनको कितना मिलता है, एक दिन का 153 रुपये। तो इसलिए हम ये चाय के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि एक चाय वाले से अधिक कुछ हमको दिया जाए। मांगे पूरी नहीं होती क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम भूख हड़ताल बजाएंगे। वी विल प्रोसीड टू हंगर स्ट्राइक। इसके बाद हम कैंडल मार्च के माध्यम से, ये भूख हड़ताल कार्यक्रम हमारा कल से ही चालू होने वाला है, तो ये सरकार इसमें ध्यान दे। मेरा नाम रंजीत पटेल है, मैं वेटनरी कॉलेज रीवा का छात्र हूँ, और हम यहाँ पे पिछले 14 दिनों से स्ट्राइक धरने पे बैठे हुए हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि बच्चे हमारे संघर्ष करे जा रहे हैं, पर सरकार की तरफ से अभी तक हमारे लिए कोई ना आश्वासन आया है, ना कोई यहाँ पे सरकार का एक भी आदमी यहाँ के हमसे मिला है। हमारी 3 मुख्य मांगें हैं, जिसमें पहली मांग हमारी ये है कि जो सिर्फ 4600 रुपये मात्र हमें स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है, उसे बढ़ाकर अन्य राज्यों की तुलना में जैसे 22,000-23,000 तक मिल रहा है राजूवास में और बिहार में, तो उसके बराबर किया जाए। हमारी दूसरी मांग ये है कि हमारी जो सीट्स हैं, सरकारी आंकड़े की माने तो 280 के आसपास जो बची हुई हैं, वो कहने के लिए 127 को चबी जिन पे पेपर हो चुका है उन पर भर्ती नहीं हुई है, तो वो काट के और अभी मान के चलिए आप 120-130-150 के आसपास बची हुई हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 130 का 500-600 बच्चे यहाँ हैं, और तीनों कॉलेज में मिला के 1500 से भी ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, और 7,000 से 8,000 अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, और उनके लिए सिर्फ 150 सीट बची हुई हैं, तो उनको बढ़ाकर एक सामान्य स्थिति में पहुँचाया जाए, जिससे कि सारे जो बच्चे आने वाले उनका भविष्य सुरक्षित रहे। हमारी तीसरी मांग ये है कि जो PG में स्टाइपेंड अन्य राज्यों में 20,000-50,000 तक की प्रभावित है, तो उसे कम से कम हमारा इतना तो किया जाए कि जो बच्चे PG में यहाँ आते हैं वो अध्ययन करने के लायक तो हों। आज ये हाल है हमारी यूनिवर्सिटी का कि छात्र एडमिशन नहीं ले रहे हैं PG में, हमारी UG की सीटें खाली जा रही हैं, उसका कारण सिर्फ जो फीस वृद्धि है वो है, और फीस वृद्धि सरकार लगातार कर रही है और यहाँ पे उनको मानदेय तक नहीं दिया जा रहा है। तो तीसरी मांग हमारी है, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं 2012 में जो घोषणा की थी उन्होंने कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ा के मेडिकल के बराबर करेंगे, ये बात कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को जो घोषणाधारी कहा जाता है, हम उस चीज़ को देख रहे हैं कि हाँ हमारे साथ वो हो रहा है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से ये भी एक अपील है कि यदि आप घोषणा करते हैं तो कम से कम उसको पूरा करिए, नहीं तो आप घोषणा बिल्कुल मत करिए। और आप यदि अभी भी, मैं सरकार से ये खुल के कहना चाहूँगा, अभी भी यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती यदि, तो कल से हम सभी भूख हड़ताल पर जाएंगे, और इसकी जिम्मेदार यदि किसी भी छात्र को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है, हमारी मध्य प्रदेश शासन होगा उसका जिम्मेदार, और उसके बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ तो हम
कड़े से कड़े कदम पे जाएंगे। हमें यदि जरूरत पड़ी तो हम तीनों कॉलेज में मध्य प्रदेश के जो है उन पे ताला डालेंगे, सरकारी सेवाएं बंद करवाएंगे, पर अपनी छात्र अपनी मांगे मनवाए बिना यहाँ से नहीं हटेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति श्रीवास्तव है, मैं फाइनल ईयर से हूँ कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, और हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। आज हमारा डे 14 है और हमारी तीन मुख्य मांग है, जिसमें से पहली कि हमारे यूजी स्टाइपेंड में वृद्धि होनी चाहिए, जो कि मात्र 4,600 रुपये है, जो कि बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है। और अगर इंटर्नशिप में आके भी हमें घर से मांगना पड़े तो क्या ही है, फिर हम इंटर्नशिप में आके भी हमें घर से मांगना पड़ेगा। और हमारी दूसरी मांग ये है कि हमारी वैकेंसीज़ में इंक्रीमेंट होना चाहिए, और तीसरी मांग ये है कि हमें पीजी में भी स्टाइपेंड मिलना चाहिए। पिछले कई दिनों से आप लोग धरने में बैठे हैं, अभी तक आपकी मांगें पूरी नहीं हुई? जी नहीं, अभी तक क्या है? आज हमारा स्ट्राइक का डे 14 है, आज शाम को हम कैंडल मार्च करेंगे और कल से हम लोग भूख हड़ताल में जाएंगे। इसके पहले कोई सरकार या कोई अधिकारी आपकी बात सुनने के लिए आया है? हम लोगों की मतलब ऐसे कोई नहीं आए यहाँ पे, हम ही लोग गए थे। हमारे कॉलेज के कुछ छात्र भोपाल गए थे, वहाँ पे वित्त मंत्री से बात हुई और सीएम से भी बात हुई है और पुष्पराज जी से भी बात हुई है, सिंधिया जी से भी संपर्क हुआ है, पर अभी तक हमारे पास कुछ रिटन नोटिफिकेशन नहीं आया है।